यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएनएससी और यूएन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, एक पोस्ट है, ऑफिस है जो सबसे बड़ी मानी जाती है यूनाइटेड नेशन में, यूएन सेक्रेटरी जनरल। अभी कौन है? अंतोनियो गुतेरस, जो 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वाले हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इन्हें दोबारा अपॉइंट करने का प्लान बना लिया है, तो इन्हें दोबारा अपॉइंट कर भी दिया है एंतोनियो गुतेरस को। ये 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, मतलब 9वें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं ये, और सेकेंड टर्म के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। किसे? एंतोनियो गुतेरस को, इसलिए न्यूज़ में आए। अब ये सेकेंड टर्म के लिए, मतलब दोबारा, एक बार तो पहले रह चुके हैं 5 साल, अब दोबारा 5 सालों के लिए इन्हें अपॉइंट किया है। ये 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक ये इनका कार्यकाल रहेगा, टर्म रहेगा, सेकेंड टर्म। इंडिया ने भी इस को सपोर्ट किया है, एंतोनियो गुतेरस के री इलेक्शन को, कि यहाँ दोबारा इनका होना चाहिए, यूएन चीफ होने चाहिए। मतलब एज ए यूएन, यूनाइटेड नेशन के चीफ माना जाता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को, लगभग सबसे बड़ी पोस्ट होती है यूनाइटेड नेशन में ये। एंतोनियो गुतेरस के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे इनका इलेक्शन होता है। एंतोनियो गुतेरस ने पहली बार जब अपनी ओथ ली थी, शपथ ली थी, 1 जनवरी 2017 को ली थी, और 31 दिसंबर 2021 को इनकी फर्स्ट टर्म ख़त्म हो जाएगी। ये गुतेरस उससे पहले 2005 से लेकर 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी रह चुके हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन में एक पोस्ट है, तो इससे पहले ये कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी रह चुके हैं। ये पुर्तगाल जो कंट्री है ना यूरोप में, पुर्तगाल, ये देख सकते हो आप पुर्तगाल कहाँ पे, ये स्पेन है अपना, स्पेन के पास ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो कंट्री है, इसके प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर का मतलब पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो अब यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट होता है यूएन चार्टर के हिसाब से। यूएन चार्टर है यूनाइटेड नेशन का डॉक्यूमेंट है, एक लॉ है, कानून है, जिसके हिसाब से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, सारा काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये यूएन चार्टर के हिसाब से जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपॉइंट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। देखो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन हैं, आज हम देखेंगे वो कौन कौन से ऑर्गन हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। तो पहले अभी दो के बारे में जानो, बाकी 4 हम बाद में जानेंगे। तो इसमें क्या करता है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, ये रिकमेंडेशन करती है, मतलब इसके 9 मेंबर अगर वोट कर दें, रिकमेंड कर दें किसको, जनरल असेंबली को, तो जनरल असेंबली फिर अपॉइंट कर देती है। जनरल असेंबली में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर अगर बोल दें, मान लो जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, इसमें 15 मेंबर हैं, क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 कितने हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब इनमें से टोटल 9 मेंबर अगर बोल दें कि इस आदमी को अपॉइंट करना है तो कर देंगे। अगर हाँ किसी एक ने, 5 परमानेंट मेंबर वीटो कर देते हैं ना, वीटो, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो का मतलब ये, अगर एक मेंबर भी 5 में से कोई मना कर देगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो इनमें से 9 मेंबर टोटल मिला के अगर कर देते हैं रिकमेंडेशन, सिफारिश कर देते हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिर इलेक्शन होता है। इसके जितने भी मेंबर हैं, इसके लगभग 193 मेंबर हैं टोटल, 193 जितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, इतने 193 इसके मेंबर हैं। इनमें से मेजोरिटी मतलब हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा मेंबर अगर इन्हें वोट दे दें इसके पक्ष में, इसके फेवर में, तो फिर वो इलेक्ट हो जाते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। तो इस तरह से इनका अपॉइंटमेंट होता है। एक बात याद रखनी है आपको कि ये सिर्फ 2 टर्म के लिए यूज अपॉइंट हो सकता है कोई भी आदमी यूएन सेक्रेटरी जनरल। एक बार पहले एक आदमी थे, वो 3rd टर्म के लिए भी हुए थे, लेकिन वो पार्शियली रहे थे 2 टर्म के लिए, मतलब कुछ कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए रहे थे 2 टर्म के लिए, इसलिए 3rd के लिए हुए थे। बाद में एक और आदमी को अपॉइंट करने के लिए बोला गया, लेकिन चाइना ने वीटो पावर लगा दी अपनी, चाइना ने मना कर दिया, तो उन्हें अपॉइंट ही नहीं किया गया 3री टर्म के लिए। तो लगभग ये याद रखना, 2 टर्म के लिए ही उन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया जा सकता है किसी आदमी को, 3rd टर्म के लिए नहीं बनाया जा सकता। और एक चीज़ याद रखनी है, जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आज तक बोला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, वो उसने माना है, कभी इसकी बात को पलटा नहीं है आज तक भी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इसमें। और एक चीज़ और याद रखनी है कि आज तक कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट नहीं किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर से। जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं ना, कौन कौन से हैं? US, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना। इस 5 परमानेंट मेंबर में से आज तक यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर भाई साहब मान लो
इन पांच में के पास वैसे ही वीटो पावर है, कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन होगा वीटो लगा देते हैं, एक कोई मना कर देगा नहीं डिसीजन लिया जाएगा। तो इतनी पावर तो पहले ही दी गई है इन पांच परमानेंट मेंबर को, अगर इनका ही सेक्रेटरी जनरल इसमें इलेक्ट कर दिया जाए, इन देश का ही कोई आदमी, तो अब आप ही बताओ सारी पावर तो इन्हीं के हाथ में आ जाएगी, पांच परमानेंट मेंबर के हाथ में। तो इसलिए आज तक यूएन सेक्रेटरी जनरल इन पांच परमानेंट मेंबर में से नहीं इलेक्ट किया है, ये बात आपको याद रखनी है, ऐसी स्टेटमेंट देके यूपीएससी पूछ सकता है। तो आगे क्या आता है, जो ईच सेक्रेटरी जनरल होता है उसके पास ऑप्शन होता है सेकेंड टर्म के लिए भी, लेकिन थर्ड टर्म के लिए नहीं इलेक्ट हो सकते, किसी भी मेंबर को सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट किया जा सकता है, जैसे अभी इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखो, अपॉइंट ही वर्ड यूज होता है इनके लिए, वैसे करे जाते हैं इलेक्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपॉइंट का मतलब नियुक्ति, इलेक्ट का मतलब चुनके, मेजोरिटी इलेक्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जो हमने अभी जाना। तो ये क्या है कि जैसे ही मान लो जो इनका सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो अभी रिफॉर्म के बाद यूज किया गया है इलेक्शन का, जो इनका इलेक्शन हुआ है रिफॉर्म प्रोसेस कुछ किया गया है इनमें यूनाइटेड नेशन में, क्या किया गया है जब इनका इलेक्शन हुआ है तो इसमें कुछ और पब्लिक इन्फॉर्मेशन डायलॉग सेशन भी हुए हैं, जैसे जनरल असेंबली के साथ साथ इनमें सिविल सोसाइटी और के रिप्रेजेंटेटिव्स भी कुछ बुलाए गए हैं, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी आ सके। मतलब जब इनका इलेक्शन हुआ है कुछ सिविल सोसाइटी जो होती हैं उनके मेंबर भी यहाँ पे बुलाए गए एज ए गेस्ट की तरह, जब इनका इलेक्शन हुआ है। अब यूएन चार्टर क्या है, यूएन चार्टर ये लॉ है, यूनाइटेड नेशन का एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, जब यूनाइटेड नेशन बना था एक डॉक्यूमेंट है, रूल बुक है ये मान लो, इस पर रूल वगैरह लिखे हुए हैं। ये 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को साइन किए गए सैन फ्रांसिस्को में, ये यूएस में जगह है। तो यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन किया गया और केम इनटू फोर्स हो गया 24 अक्टूबर 1945 से। केम इनटू फोर्स का मतलब है इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया इस दिन से, 24 अक्टूबर 1945 से। ये यूएन क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी ये क्या है, इसके पास पूरी पावर होती है इंटरनेशनल करेक्टर के हिसाब से, कि ये मतलब चार्टर जो यूएन चार्टर है ये पावर देता है यूनाइटेड नेशन को, यूएन का जो लॉ है, क्योंकि यूएन चार्टर क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो यही पावर देता है, इसी के हिसाब से यूएन अपना काम करता है। जो यूएन चार्टर है ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो बाउंड होते हैं जिससे, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये लॉ है, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, सदस्य देश हैं, वो इसके यूएन चार्टर को मानते ही मानते हैं। तो इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है यूएन चार्टर में ये कोडिफाई करता है मेजर प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों के कैसे रहेंगे, फ्रॉम सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स टू प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब सभी देश को सॉवरेन हो, सॉवरेंटी इक्वली हो, मतलब सभी देश के पास इसके पास प्रभुसत्ता, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रभुसत्ता को, ऐसा ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, सॉवरेन के लिए, मतलब सॉवरेन का मतलब ये है सब देश को आज़ाद है अपने लिए लॉ बनाने का, ऐसा इसका यूएन का मेन थीम है कि सब देश आज़ाद हों अपना लॉ खुद बनाने के लिए, सॉवरेन हो, और किसी के अगेंस्ट फोर्स यूज ना की जाए, किसी भी देश के अगेंस्ट, ये इसका मेन रोल रहता है। अब ये यूएनजीए क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है यूनाइटेड नेशन में, इसका मेन काम है, चीफ डेलिब्रेटिव एजेंसी है ये, मतलब ऑर्गन है, एजेंसी नहीं, ऑर्गन बोलेंगे, अंग बोलते हैं हिंदी में, ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में। पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी बनाती है यूनाइटेड नेशन के लिए, और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, क्यों, क्योंकि इसमें जो सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं 193 वो इसके भी मेंबर हैं, किसके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो इस तरह से एक यूनिक फोरम प्रोवाइड करता है ये मल्टीलेटरल डिस्कशन के लिए, जैसे ही मान लो कोई इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के लिए कोई डिसीजन लेना तो इसमें डिस्कस किया जाता है यूएनजीए में। ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किस लिए, स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए और कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कोई अंतर्राष्ट्रीय लॉ का कोडिफिकेशन करना है उसके लिए एक एक, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये भी एस्टेब्लिश किया गया था यूएन चार्टर के हिसाब से ही, मतलब यूएन चार्टर जो डॉक्यूमेंट है, लॉ रूल बुक है, उसी के हिसाब से 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन काम है पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखना, मतलब शांति और सुरक्षा पूरे वर्ल्ड में इसका काम है प्रोवाइड करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। इसके 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, मतलब हमेशा ही रहते हैं,
ये तो रहेंगे, इनका कोई ना इलेक्शन होता कभी जब से यूनाइटेड नेशन बना है, ये परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये क्या है, इनका इलेक्शन होता है हर 2 साल में, हर 2 साल में इलेक्शन होता है। अभी इंडिया भी रिसेंटली बना, 2021 से 2023 तक इसका मेंबर रहेगा, नॉन परमानेंट मेंबर। 10 में से एक इंडिया भी है अभी। जो इसके यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो ईच मेंबर होते हैं उनके पास 1 वोट होती है। जैसे 15 मेंबर हैं इसके, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, सबके पास एक एक वोट होती है। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इनके पास वीटो पावर भी होती है। कहने का मतलब ये है, अगर इन्होंने नो वोट कर दिया, कहने का मतलब वीटो पावर यूज कर ली, वीटो पावर यूज कर ली, तो ये फिर क्या है, मान लो एक परमानेंट मेंबर ने मना कर दिया कोई डिसीजन लेने से, तो फिर वो डिसीजन लिया नहीं जा सकता, ये है वीटो पावर। तो इनमें से कोई डिसीजन लेना हो सिक्योरिटी काउंसिल को तो ना 9 मेंबर की मेजोरिटी चाहिए होती है, 9 मेंबर की वोट चाहिए होते हैं 15 में से टोटल। तो 9 मेंबर जब वोट कर देते हैं ना, वो डिसीजन ले लिया जाता है अगर कोई वीटो पावर यूज ना करे तो। नेक्स्ट आता है कोई एनी मेंबर यूनाइटेड नेशन का होता है विच इज़ नॉट ए मेंबर, मान लो कोई सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, क्योंकि इसके तो 15 ही मेंबर हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, तो ये इनका कोई मेंबर भी नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वो इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन विदाउट वोट, क्योंकि वोट नहीं कर सकता क्योंकि मेंबर थोड़ी ना है। हाँ, आप डिस्कशन के लिए एज ए बैठ सकते हो, डिस्कशन सुन सकते हो, इनका पार्टिसिपेट कर सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। अब चैलेंजेस क्या हैं जी पर्टेनिंग टू यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन से के मतलब सामने चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं। एक तो ये है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास कोई कंट्रोल नहीं है वीटो पावर का। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर एक्सरसाइज करती है, इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास कोई कंट्रोल नहीं है, और ये कोई डिसीजन भी नहीं ले सकती परमानेंट मेंबर के अगेंस्ट। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकती यूएनजीए, क्योंकि यूएनएससीए में जो 5 परमानेंट मेंबर है वीटो पावर लगा देते हैं। जब भी मान लो कोई डिस्कशन होना यूएनजीए में, तो कोई भी परमानेंट मेंबर मान लो चाइना के अगेंस्ट कोई लाना है, जैसे अभी ये जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट डिसीजन लेना था, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कशन करने के लिए आवाज़ उठाई थी कुछ देशों ने, लेकिन चाइना ने वीटो पावर लगा दी, नहीं हुआ डिस्कशन। तो एक तो ये चुनौतियाँ, कोई देश चाहे तो वीटो पावर लगा के डिस्कशन नहीं होने देता किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पे। नेक्स्ट है जो 15 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनके पास क्या है, अभी मोस्ट पावरफुल है ये यूनाइटेड नेशन में, तो ये जो भी इनका इंटरेस्ट होता है इसी को सर्व करने के लिए काम करते हैं, या इनके कोई अलाइज होते हैं, मतलब जैसे 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके अलाइज हैं, या 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके अलाइज हैं, कोई अलाइज देश का मित्र देश है, कोई अलाइज का मतलब है मित्र देश, मित्र अलाइज का मतलब मित्र होता है, तो इनके मित्र देश हैं जो इनके फेवर में डिसीजन लेना हो तो इनमें ही लगभग फेवरेटिज्म देखने को मिलता है, फेवर करते हैं इसमें। नेक्स्ट है यूएन चार्टर है, जो ये वेग है, मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ कि सेक्रेटरी जनरल की ड्यूटी क्या है, यूनाइटेड नेशन की जो टॉप ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, सही से डिफाइन नहीं किया हुआ इसमें, परिभाषित नहीं किया हुआ। नेक्स्ट, अभी आपको पता ही होगा यूनाइटेड नेशन की जो एक एजेंसी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी यूएसए ने क्रिटिसाइज किया था। क्यों? क्योंकि इसने कोरोना वायरस के बारे में नहीं बताया, COVID-19 के बारे में नहीं बताया जल्दी से, और चाइना के इन्फ्लुएंस देखने को मिला, ऐसा क्रिटिसाइज आलोचना की यूएसए ने। यूएसए के पक्ष में भी ये कई बार WHO ने डिसीजन देखने को मिला है कि WHO ने यूएसए के पक्ष में, यूएसए के प्रेशर में आके इसके फेवर में डिसीजन लिए हैं। जैसे यूएस फार्मा जो कंपनी है, यूएस की जो मेडिसिन वगैरह बनाती हैं कैसी कंपनियां, उनके फेवर में भी, उनके इंटरेस्ट में, उनके फेवर में कई बार WHO ने डिसीजन लिए हैं, ऐसा देखा गया है। WHO स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की ही। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। ये 1945 में बना था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद ऐसा डिसीजन लिया पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे कि आगे थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, कि ऐसी नौबत ना आए कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है सभी का। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति हो और सुरक्षा हो, इसके लिए ये एस्टेब्लिश की गई थी। इसके मेंबर अभी 193 मेंबर हैं, और इंडिया भी इस जो चार्टर मेंबर है इसका, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो यूएन चार्टर है इसका मेंबर है, इस पर साइन किया हुआ है यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे इंडिया ने भी, और पार्टिसिपेशन करता है इसके, और सभी लगभग इसके जो स्पेशलाइजेशन से इंडिया उनका मेंबर है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का भी। क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, एक्टिविटीज़ इसलिए करता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हो इसको मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मानव अधिकारों को वर्ल्ड वाइड बचाने के लिए काम करता है यूनाइटेड नेशन,
ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवता के बेस पे किसी की सहायता करनी हो तो वो प्रोवाइड करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और इंटरनेशनल लॉ जो लॉ हैं उनको अपहोल्ड करना, कि इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, लॉ है, कानून है, उनको माना जाए, इसको प्रमोट करना इसका काम है यूनाइटेड नेशन का। इसके मेन ऑर्गन 6 हैं, 6 मेन ऑर्गन हैं, 6 अंग हैं इसके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक शॉर्टकट में बोलते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अभी इसका काम ख़त्म हो गया है, इसका काम ख़त्म हो गया, अभी ये काम नहीं करती है, लेकिन ये 6 ऑर्गन में से एक ये भी ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका हेडक्वार्टर हैग में है, हैग में। देखो बाकी के सबके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका न्यूयॉर्क से बाहर है, कहाँ पे, नीदरलैंड। नीदरलैंड एक कंट्री है यूरोप में, उसकी राजधानी है हैग, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। एक यूएन सेक्रेटेरिएट इसका 6 अंग है, ये 6 अंग हैं। और इसके फंड्स और प्रोग्राम भी हैं बहुत सारे, जैसे एक फंड यूनिसेफ फंड बनाया हुआ है, मतलब इसमें मनी होती है, डॉलर होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन की सहायता के लिए दिए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड है। एक प्रोग्राम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रखा है इसने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है, यूएन हैबिटेट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, पूरे वर्ल्ड वाइड फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, मतलब इसे और ज़्यादा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो यूनाइटेड नेशन के सामने चुनौतियाँ हैं, ये हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन को मोर इंक्लूसिवली बनाया जाए, ताकि ये मल्टीलेटरलिज्म के तरह काम करे, सारे वर्ल्ड वाइड सबके लिए काम करे, किसी का फेवरेटिज्म देखने को ना मिले, जैसे WHO का देखने को मिला है, कई बार फेवर करता है, तो इसको इंक्लूसिव, मोर इंक्लूसिव बनाया जाए। और जो इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें भी रिफॉर्म किया जाए, इंडिया बहुत दिनों से डिमांड कर रहा है कि इंडिया को भी मेंबर बनाया जाए, तो इसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है, क्यों रिफॉर्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना था उस टाइम पे क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ गुलाम थी, स्लेव थी, और जो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत सारी कंट्रीज़ की ख़राब थी, लेकिन आज जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड वाइड का वो चेंज हो चुका है, तो बहुत सारी कंट्री डिमांड करती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन है जो कॉन्टिनेंट है उनसे मेंबर होने चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में। और क्या हो सकता है, जो इसके एफर्ट हैं यूनाइटेड नेशन के, ऐसे एफर्ट होने चाहिए, ऐसे प्रयास होने चाहिए कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्लानेट के लिए, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए काम करे, मानवता की सहायता के लिए, उसके फ़ायदे के लिए काम करे, ना कि पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए। तो ये इसमें रिफॉर्म और वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो यही था इस लेक्चर में।